जय साईं राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला में। हमारे से बहुत से दर्शक और भक्तों का हर समय यही प्रश्न ज़्यादातर रहता है कि कर्ज मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कर्ज से मुक्त होने के कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें करने से आपके कर्ज में कमी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्ज से परेशान है तो इन उपायों से पाएं छुटकारा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्ज का भार मनुष्य को मरने पर भी पीछा नहीं छोड़ता और किसी न किसी रूप में मनुष्य को अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। शास्त्रों की माने तो व्यक्ति को जहाँ तक हो सके कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्ज समय पर ना चुकाने से समाज में व्यक्ति की साख के साथ साथ उसका मान सम्मान भी गिरता है। आज के समय में बदलती मानसिकता के चलते बैंकों व कई गैर सरकारी ग्रुप द्वारा ऋण लेने के लिए दिए जाने वाले लुभावने अवसर प्रदान करते हैं, जिनसे मनुष्य खुद को कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर लेते हैं। फिर बाद में समय पर कर्ज का भुगतान ना करने पर भारी ब्याज दर द्वारा उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति कर्ज लेने की तरफ अपना रुख कर लेता है। वह उसको चुकाने के लिए नए नए प्रकार के पैंतरे अपनाता है कि किस तरह से इस कर्ज से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए अब हम आपको कर्ज से छुटकारा पाने के यह लाभकारी उपाय बताते हैं। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ कर बहुत ही फलदायक माना जाता है। दूसरा आपको उपाय बता दें, बुधवार को सुबह नहाने के बाद खाली पेट गाय को हरा चारा खिलाएं। यह प्रयोग आप लगातार करते रहें जब तक कि आपके कर्ज में कमी ना आती है। इसको करने से आप में कर्ज के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो जाए। तीसरा काम आपको क्या करना है भक्तों, 5 गुलाब के ताज़ा फूल लेकर इन्हें 7 बार गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर इसे एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर किसी नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कर्ज चुकाने के रास्ते खुल जाएंगे। सर्व सिद्धि बीसा यंत्र धारण करने से भी कर्ज मुक्ति से आपको लाभ मिलेगा। चौथा है दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए आपको लगातार 2 मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाएं। इसी के साथ साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और बजरंग बाण का भी पाठ करें। दोस्तों आप चाहें तो पांचवा उपाय यह करें, गुरुवार से गुरुवार 7 गुरुवार शिरडी के साईं बाबा का व्रत रखें और बाबा को हर गुरुवार को इत्र जरूर लगाएं और साथ में बाबा को मिशोग लगाएं। ऐसा आप करते रहें जब तक आपके कर्ज में कमी नहीं आती। देखिए साईनाथ महाराज कैसे आपके कर्ज में आपको लाभ देते हैं। दोस्तों आगे आपको छठवां उपाय बता दें, क्या करना है आपको, शनिवार के दिन घर की चौखट पर घोड़े की नाल को अभिमंत्रित कर लगाना चाहिए। मतलब मंत्र द्वारा पढ़ के सिद्ध कर लें, पूजा कर लें, अभिषेक कर लें, उसके बाद आप उसे अपने घर पे लगाएं। सातवां उपाय आपको क्या करना है दोस्तों, मंगलवार को शिव मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल और जल अर्पित करें और साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वरे महादेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें। शनिवार के दिन एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर इसे अच्छे से ढक दे। अब इस दिए को किसी तालाब या नदी के किनारे थोड़ा गड्ढा खोदकर दबा दें। यह भी एक परिचित प्रयोग है कर्ज से आपको शीघ्र मुक्ति दिलाने वाला। तो दोस्तों अगर आप सभी को यह उपाय से फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें और आपके बड़े से बड़े कर्ज को यह उपाय दूर कर देगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय साईनाथ। आप सभी पर साईं की कृपा बनी रहे। ओम साई राम। वीडियो ने आपके मन में दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय साईं राम।